ठीक आगे कथा में चलते हैं। उतानपात राजा के पुत्र उतानपात राजा सतयुग में हुए। देखिए ये ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें बहुत सारे ग्रंथ समाहित हैं, और जैसे भागवत के प्रसंग है, गीता के प्रसंग है, और महाभारत के प्रसंग और अमरलोक के प्रसंग है। यानी प्रसंगों की कोई इसमें कमी नहीं छोड़ी है महाराज ने। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रसंग के द्वारा। उतानपात राजा के पुत्र का नाम था ध्रुव, और ध्रुव ने ऐसी भक्ति कमाई जो ध्रुव तारा अटल है। वो छोटा बच्चा था, ज्ञान बुड्ढों को भी नहीं होता है। अब बूढ़े बूढ़े लोग क्या करते हैं समझते हैं, सत्संग में नहीं बैठते और माई मिलना करते देते। आज देवो जी रहा लो प्याण जी ने कहते हैं कि उम्र प्राणे अगर ज्ञान हो जाए तो जीव तर अभी उम्र सूर्य अस्त होने वाला है, उम्र ढलने वाली है, मौत पकड़ने वाली है, फिर भी मालिक याद आ रहा है। ये क्या है, कौन सा नशा है, ये कैसा नशा है। कुछ बूढ़े बूढ़े बीड़ी भी पीते हैं। बीड़ी का नशा इतना नहीं होता, ठीक है रेल की तरह धुआं काट लेते हैं। और कुछ देखिए अमल का नशा, पंचायत में जाते हैं और पंचायती करते उल्टी सीधी अमल खा लेते हैं, फिर मरते समय पैरनेस हो जाते हैं। तो वृद्ध अवस्था में भी मनुष्य चेतने की कोशिश नहीं करता है, और किसी किसी का भाग इतना अच्छा होता है कि बालपने में ही उनको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, सदगुरु संत मिल जाते हैं। बालपने भक्ति करे जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आवे वो दास। तीर्थ भी आशा करते हैं, कौन किसकी आशा करते हैं। आपने जो सुना है कि तीर्थ भी उसकी आशा करते हैं, तुम्हारी आशा नहीं करते हैं, ध्यान रखना। वो तो कहते हैं कि ये क्या करते हैं संसार के लोग। संसार के लोग कहते हैं गाय मार गया गोमती, ध्यान देके सुनाओ, गाय मार गया गोमती और तीर्थ व्रत करने पाचा आए ने मार दीजिए आई जने कुत्ती। बात तो उती उती ने, कोई स्वभाव में कोई चेंजिंग नहीं। तीर्थ करके आए, पुष्कर जाके आए, हरिद्वार जाके आए, ऋषिकेश जाके आए, हरि का झूलना झूल के आए, जगह जगह तीर्थ गंगा स्नान गोमती स्नान क्या क्या स्नान करके आए। कहते हैं कि गाय मारने से मन में गिलानी हुई कि गाय मार दी हमने, इसलिए चलो तीर्थ कर आओ। और तीर्थ करने गया और तीर्थ करके वापस आया घर, तो बार बार वाली कुत्ती है घर में छोड़े बनी वापस मैं ना जान कहीं मार जावे के री आई। एक दी कुत्ती रे माता में करती मर गई जन क्यों मार गाय मार गया गोमती एन पाचा आयने री आई जन मार दी कुत्ती। बात उत्ती पटनी पड़ियो स्वभाव में की फर्क को नहीं जन कई मतलब रियो तीर्थ में जावा। कबीर साहब सत्संग करता आप चौराहे में सत्संग करता सभी स्नान नान कराए गंगा रो स्नान करने लोग कथा सुनता। कबीर साहब पूछे भाई तो टोलो टोलो थे भायोरन भायोरन कट जाओ के बाबूजी मो गंगा स्नान करने आओ बट जाओ गंगा सागर नाओ बट नाओ। साहब क्यों के ऐसा तीर्थ वाला जीव है एंड क्यों रुको 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 एक मिनट कमाली कमाल साहब रहता नन क्यों रे खारी तुम भी लाइन दो जल्दी एक खारी तुम भी लाइन दी साहब ने। कबीर साहब क्यों भाई जो 68 तीर्थ करने जाओ मुख्य आदमी मार का नाम आखारी तुम भी ले जाओ पहला स्नान इन तुम भी ने कराओ फज थे स्नान करना सब तीर्थ करने पाचा मारे करना आओ ने घरे जाओ है
के हुक्म से सब जगह घूमिया करिया, कटे भी कुंड में नया तो पहले में तुमड़ी ने नवाणी पचे हैं नया स्नान करिया, कटे नदी में नया तो अटे तुमड़ी ने नलाई पहले एर कटे कोई गंगा जमुना जितनी भी नदियों सरस्वती कटे कटे तीर्थ माने जटे सब जगह जाए मीना भरू पाचा काशी कबीर साहब री सत्संग में गया। कबीर साहब क्यों सजनो वा मारी तुम भी तो मन पाची दे दो करियाया स्नान अगले के हाँ करिया साहब क्यों के आज नहीं तुम भी रोज प्रसाद खाओ ना था और कोई प्रसाद नहीं ले अब इन तुम भी ने कबीर साहब है वट पत्थर मंगाए ने नीचे बर्तन नाक ने फोड़ दी एर पच कियो के आ तुम भी तो थोड़ो पाप मिटा सके आ तो अर्शतित कर लिया के तुम भी पास थोड़ा हैंग देना प्रसाद ले लो अब प्रसाद लेवे खारो जेर बात खरीद ही तुम भी तो खारी तुम भी ही अब खारो जेर मुंडो बेगो हमें मुंडा ने बिगाड़े साहिब कह के हैंग मुंडा ने क्यों कर बिगाड़े कोई नहीं प्रसाद दे वो बात कहीं क्यों भाई मुंडो क्यों कर बिगाड़ा रहे हो बैलेंस में कोनी मुंडो कहीं बात है क्यों के साथ खारी जहर है अरे तो आ तुम भी हगले स्नान करने आई तो इन्हें ही लक्षण नहीं बदलिया तो थोड़ा कोई लक्षण बदली ते तो पास जान यूरी लड़े यो करो नहीं यो हाउ को लड़ो वही कवाड़ी ने वही डंडो है वही बात करो ते तो है अड़सठ तीर्थ को पूरी पूरी पृथ्वी परिक्रमा देने पर आओ तो इस स्वभाव ने बदलनो बहुत दोरो काम है और मायने बबके नी क्रोध काको जी झरझर थोड़ थोड़ दे रहे हैं तो सदगुरु कबीर साहब कहवे सत्संग करना निर्मल सादरी हेली मारी आवागमन मिट जाए निर्मलता आनी चाहिए स्वभाव में तो आवागमन मिट जाता है। देखिए माँ गुरु राजा और पिता ए अपन मत क्रोध कर सके अपन क्रोध नहीं कर सकते स्कूल में जावा मास्टर जी अपन मत क्रोध छो कर बेक्रोध करी जीव अपा आगे बढ़ो जाए उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं कर थाने आप पति रो ऑब्जेक्शन नहीं करना हाउ जीरो नहीं करना और ऐ तो करते ही आया क्या इन वास ठीक है आगे पाँच गजो अबे पिता पिता भी अपन माते क्रोध करे तो वे अपन सुधरने वास्ते करे अपनी माँ अपन माते क्रोध करे तो सुधरने वास्ते करे और अपना गुरु गुरु अगर अपन माते क्रोध करे तो अपने सुधरने वास्ते करे अपन मारवाड़ी में कहवे ते नहीं मीठा बोला बोला मोरिया कहीं कहवे आगे कहीं कहवे एथानी ठाकुर ने बूढ़ी बूढ़ी माताओं जवान थी ये आकोना है तो कहना मतलब वो है कि आप मीठा बोलो तो अंदरू छुरी नहीं बावना हाँ जो खारा बोले नहीं तो कोई बात नहीं खारी बात कौन किया करे जो आपनो रह रहे हैं मीठो बोलने कोई आपका काम निकाल दे इन वास्ते परख रखो पहचान रखो तीर्थ में गया तो कहीं सभा बदलियो कितना गोता खाना आया कितना कितनी कीड़ियों मारना आया उन्हों कई फल मिलियो अपने तीर्थ गया फल एक है संत मिलिया फल चार कहे सदगुरु मिलिया अनंत फल कहे कबीर सा विचार।